नमस्कार, मैं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज हम बात करेंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश आए हैं कि वो अपनी वैक्सीन खुद खरीदे। इस पर राज्य सरकारों ने एतराज़ जताया है, पर इस पर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं खुद जनता से। क्योंकि पिछली बार सभी जितनी भी राज्य सरकार थी इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि लॉकडाउन की जो स्थिति है वो केंद्र सरकार ने बहुत ख़राब करती है। ये राज्य सरकार को पता है कि कितनी कैपेसिटी है कि कितनी कालाबाजारी है इस देश में, पता लग जाएगा सारा वैक्सीन। उन्होंने इतना सोचा है हमारे लिए कि देखो सब दवाइयाँ सब आ रही है वहाँ से, कितना कर रहे हैं मान ली सब, अब रिकवरी रेट कम होता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना इतना फैल गया कि अगर राज्य सरकार के हाथ में कुछ सत्ता होती या फिर कुछ राइट्स होते तो हम आराम से कर सकते थे। केंद्र सरकार ने इस बार वो जिम्मेदारी ना लेते हुए राज्य सरकार के ऊपर डाल दी है चीज़ें, और जिस वजह से अब राज्य सरकार को ये चीज़ भा नहीं पा रही, या फिर आप ये कहिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। अगर वैक्सीन मिल रही है, किसी की जान बच रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो बिना किसी रेट के होना चाहिए और रेट भी फिक्स कर रख। देखो ये सही है कि अपने सरकार ने अपने के दे दिया कि आपके अंडर में सब जो की हम भेज रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो, और मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर राज्य सरकार, यूपी में जाइए वहाँ पे वैक्सीन की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष दल के पार्टियाँ हैं वो केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर रही। अभी मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सिविल डिफेंस के जो डिस्ट्रिक्ट के वो हैं चीफ वार्डन, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही है वैक्सीन की, कहीं ना कहीं वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। और मैंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पत्र भी लिखा है कि कैसे करके आप वैक्सीन की बर्बादी रोक सकती है। जैसा कि आपने दिल्ली की जनता की राय सुनी, उनका मानना है कि ये केंद्र ने जो फैसला लिया है वैक्सीनेशन को लेके वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। इससे क्या होगा कि जो जनता का ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन से जुड़ी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और कहीं भी कोई किसी भी तरह की वैक्सीन को लेकर कोई समस्या शायद आने वाले टाइम में ना हो। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं मनीष चौहान, ABN TV दिल्ली।